डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम एक और फाइलम निमर्टिया के बारे में डिस्कस करेंगे इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और क्या ये ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं और नेचर में इनका क्या रोल है इसमें निमर्टिया की 900 हंड्रेड स्पीशीज़ जो हैं टिल नाउ दे हैव बिन डिस्कवर्ड बाय द जोअलॉजिस्ट एलोंगेट फ्लैटेड वर्म्स हैं मरीन मड और सेंड इस एनवायरनमेंट के अंदर ये पाए जाएंगे इनके अंदर एक लॉन्ग प्रोबोसिस मौजूद है इनके निमर्टियंस जो हैं कॉमनली इनको हम प्रोबोसिक्स वर्म्स भी कह देते हैं इसके अडल्ट वर्म्स जो हैं ये साइज में डिफरेंट हैं दे रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन लेंथ और मोस्टली जो एनिमल्स इसमें निमर्टिया में होंगे उनको हम कहते हैं निमर्टियंस उन एनिमल्स को हम कहेंगे निमर्टियंस इनका कलर जो है पेल येलो ऑरेंज ग्रीन रेड हर तरह का रंग जो है इन ऑर्गेनिजम्स में हमें नज़र आएगा इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं एसिलोमेट्स हैं ट्रिकल हैं अनसिगमेंटेड वनस भी इन्हें हम कह देंगे इनके अंदर सिलिएटिड एपिडर्मस मौजूद है दैट कंटेन्स डिफरेंट म्यूकस ग्लैंडस कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है माउथ है एनस है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उनको हम कहेंगे प्रोटोनफ्रीडिया नर्वस सिस्टम जो है उसमें यहाँ पे देर इज़ अ बिगनिंग ऑफ थिक एंड नव मास जिनको हम कहेंगे गेंगलियॉन गेंगलियॉन हैं जो हैड में मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे सेरिब्रल गेंग्लियन लॉन्गी नर्व कार्ड्स प्रेजेंट हैं और इन नर्व्स कार्ड्स को जिन स्ट्रक्चर्स ने कनेक्ट किया हुआ है उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमीश्योर्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है मस्कुलर्स मौजूद हैं और बॉडी मसल्स जो हैं दे आर अरेन्ज इन टू टू लेयर स्ट्रक्चर थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर और ये जो निमर्टियंस हैं दे हैव अ लॉन्ग प्रोबोसिस इनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है प्रोबोसिस प्रोबोसिस क्या होगा दैट इज़ आ शील्ड माउथ लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंस ऑफ माउथ लाइक स्ट्रक्चर और इसके ऊपर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा जिसको हम कहेंगे रिंकोसिल और ये प्रोबोसिस जो है दिस इज़ आल्सो हैविंग अ बार्ब और उस बार्ब को हम कहते हैं स्टाइलेट इसकी स्पीशीज़ जो हैं ज़्यादातर कार्निवोरस हैं कार्निवोरस हैं तो ये प्रोबोसिस को यूज करेंगी और यूज करते हुए क्रस्टेशियंस एनेल्ड्स को एज आ प्रे फिर ये इस्तेमाल करेंगे निमर्टियंस जो है इनके अंदर वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है माउथ है फूड की इंजेशन के लिए और फूड को एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट के लिए इनके अंदर देर इज़ अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कार्ड एनस और माउथ फूड जो है दिस विल एंटर थ्रू इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी

ये लेटरल ब्लड वेजल्स अगेन देन दे आर ब्रांच्ड फिर इसमें कंट्रैक्शन है बॉडी वॉल्स की और ब्लड जो है लेकिन इसके अंदर बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता सिंपली ब्लड जो है वेजल्स के थ्रू फॉरवर्ड मूव करेगा बैकवर्ड मूव करेगा लेकिन सर्कुलेट नहीं करेगा ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं कुछ स्पीशीज में और निमर्टियंस के दो एडवांस करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी और फाइलम में नहीं है और वो ये कि दे आर मच लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी अदर फ्लैट वर्म्स ये फिर इसमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट हैं ब्लड वेजल्स जो हैं लोकल जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई करेंगे फूड सप्लाई करेंगे और इसमें वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर फूड एबजॉर्बशन और निमर्ट्रियस जो हैं दे आर आल्सो डायोशिस डायोशिस का मतलब है मेल प्रेजेंट है फीमेल प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनके वेल डिवेलप्ड हैं इनके अंदर पेरनकाइमल सेल्स प्रेजेंट हैं फर्टिलाइजेशन जो है दैट विल टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी और ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हेलमेट शेप लार्वे की डिवलपमेंट होगी जिसको हम कहते हैं पिलीडियम लार्वा अब जो इसके अडल्ट निमर्टियंस की नॉर्मली दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑन अ ट्रेल ऑफ म्यूकस सीलिया और बॉडी की पेर जो कंट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन मसल्स की हेल्प से होगी एंड दे विल प्रोवाइड अ प्रोपल्सिव फोर्स थ्रू विच बॉडी मूव्स अहेड थ्रू दिस डायग्राम यू कैन सी आर्टिपिकल स्पेसिमन ऑफ फाइलम निमर्टिया और इसका जो है लॉन्गी सेक्शन जो है यहाँ पे दिखाया गया है दैट शोज़ आ ट्यूब्यूलर गट एंड प्रोबोसिस कि इसमें माउथ है एनस है मसल्स हैं रिट्रैक्टर मसल्स हैं प्रोबोसिस है मसल्स की डिफरेंट लेयर्स हैं प्रोबोसिस लॉन्गिट्यू एपिडर्मस, एपिडर्मस इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फाइलम निवर्टिया इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ advanced class of animals.